आ रही है, जहां के खेड़ा में एक बस नदी में जा गिरी है। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है, जबकि 10 लोग जख्मी हैं। घायलों में कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और आपको बता दें कि सुबह 3:30 बजे यह हादसा हुआ था। बस में करीब 60 लोग सवार थे, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 60 लोगों के सवार होने की खबर है, और गोवा से मुंबई जा रही थी ये बस। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास ये बस हादसा हुआ है। फिलहाल राहत कार्य, बचाव कार्य जारी है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस हादसे में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दरअसल ये बस गोवा से मुंबई की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस में कुछ विदेशी नागरिक भी सवार थे, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई है। बस महाकाली ट्रेवल्स की है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक भीषण सड़क हादसा, अब तक 22 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 10 गंभीर हैं। सुबह 3:30 बजे के वक्त यह हादसा हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब बस खेड़ा के पास छोटे से पुल से गुजर रही थी और पुल से टकराकर नदी में जा गिरी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी, उसके मुताबिक आपको बता दें कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका यह कहना है कि बस काफी तेज गति से जा रही थी और ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। 22 लोगों की अब तक मौत होने की खबर है, 10 गंभीर हैं। कुल 60 लोगों से भरी हुई थी यह बस। रात बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें हैं आपके पास। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी के हादसे की ये तस्वीरें हैं। ये ब्रिज है जिसके नीचे बस सीधी जा गिरी, और देखिए कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है बस। अभी भी यहाँ से लोगों को निकालने का काम जारी है। फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर यहाँ पर बचाव दल की भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही आसपास के तमाम थानों की जो टीम है, जो दस्ते हैं, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। एक छोटा सा ब्रिज था, तेज गति से जा रही थी, ओवरटेक करने के चक्कर में ये बस नीचे जा गिरी और इसमें एक विदेशी महिला की भी मौत होने की खबर है। तो 22 लोग कुल इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 10 अभी भी जख्मी हैं, जिन्हें नजदीक के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है और बचाव कार्य अभी भी जारी है। मुंबई जा रही थी ये बस और वहां पर बीच में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, क्रेन से उठाने की कोशिश की जा रही है इसे। बड़ा भीषण हादसा हुआ है और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जो इलाका है उस इलाके में यह हादसा हुआ। रत्नागिरी के नजदीक खेड़ा जगह थी जहां पर एक नदी में बस जा गिरी, जिसके बाद इसे क्रेन लगाकर उठाया जा रहा है। और आइए इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात करते हैं। शाहिद, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर पर? जी, लगातार मौत की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर हम सुबह 3 बजे से लेकर अब तक की बात करें तो सबसे पहले 22 मौतों की खबर आ रही थी, उसके बाद यही तादाद बढ़ गई, यानी पहले 14 और फिर 22, और अगर अभी की हम बात करें तो अभी यही तादाद 22 से लेकर 35 तक पहुंच गई है। वहीं जख्मियों की भी तादाद जो है ज्यादा हो गई है। अभी भी जो है घटनास्थल में जो है बचाव कार्य चालू है और जितने भी लोग हैं उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। क्या बस से जो 60 लोग बताए जा रहे थे, क्या 60 लोगों को बस से निकाल लिया गया है? नहीं, चूंकि अभी कुछ लोग बस के पीछे के हिस्से में फंसे हुए हैं, क्योंकि बस जिस जगह पे गिरी हुई है वहाँ पे जो है जगह बहुत कम है और जो क्रेन से उसे निकाला जा रहा है उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ ये भी है कि अंदर के जो लोग हैं उन पर चोटें आई हैं, तो इस वजह से कि उनको ऐसी पोजीशन में सही सलामत निकाला जाए, तो इस चीज को लेकर दिक्कतें भी आ रही हैं। तो इसलिए अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, और जो लोग हैं, यानी कि अभी अगर हम तादाद बात करें जिनकी मौत की, तकरीबन 10 से ज्यादा लोग जो है अभी भी जख्मी अवस्था में है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और जबकि अगर मरने वालों की हम बात करें तो उनकी तादाद 37 के आसपास बताई जा रही है। हमारे दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आ रही है। सुबह 3:30 बजे के करीब हादसा हुआ था। मरने वालों की तादाद बढ़ गई है, 35 लोग अभी तक इस हादसे में अपनी जान गंवा गए हैं, ऐसी खबर सीधी हमें अभी मिल रही है। तो हादसे में 10 लोग घायल गंभीर हैं और अभी भी कुछ लोग हैं जो पीछे फंसे हुए हैं बस के, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, और एक विदेशी महिला की भी मौत होने की खबर है। और मरने वालों की तादाद बढ़ गई है, मरने वालों की तादाद 35 पार कर गई है, 35 तक पहुंच गई है मरने वालों की तादाद। राहत कार्य, बचाव कार्य अभी भी जारी है। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, 3:30 बजे ये हादसा हुआ है और अभी की बात करें तो 9 बज चुके हैं।
इतने घंटे बीत जाने के बावजूद भी इतना देरी क्यों हो रही है, क्या वजह आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उसे ऑपरेशन करने में? क्योंकि जो जगह है ये जिस इलाके में ये घटना घटी है वहाँ पे आपको पहले बताना चाहूंगा कि ओवरटेक को लेके ये सारी चीजें हुई है। उस रोड पे जहाँ पे ये बस चल रही थी उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी और बस जब ओवरटेक की है तो बस का संतुलन जो है उसका ड्राइवर खो बैठा, जिसके बाद ये बस सीधे नदी में जाकर गिर गई। नदी और जो रोड है उसका भी फासला काफी ज्यादा है और नदी के जिस जगह पे गिरी हुई है वहां पे जो जगह है वो काफी कंजेस्टेड है और उसके अलावा काफी नीचे के हिस्से में गई है, तो इस वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही है और जो वहाँ के रास्ते हैं वो भी उतने बेहतर नहीं है। इन चीजों को लेके जो रेस्क्यू टीम है दरअसल ये भी चाहती है कि जो अंदर लोग हैं उनको जो है अगर पहले से भी चोटें आई हैं तो उनको सही सलामत या बेहतर तरीके से निकाल लिया जाए, ऐसा ना हो कि निकालने के टाइम उन्हें और भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इसलिए हर तरफ से हर पहलू को ध्यान देते हुए जो रेस्क्यू टीम है, जो पुलिस है, जो फायर कर्मी है, ये लोग जो है हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पे कार्य कर रहे हैं। फिर भी इतनी देर में और इस पोजीशन पे जहाँ पे जो बस गिरी हुई है इतने कम समय में, एक तरह से यही कहा जाएगा कि कम समय में ही उन लोगों ने जो मेहनत की है वे काबिले तारीफ है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा की जो जी ऐसे मुकाम पे फंसी हुई है वहाँ पे बेहतर तरीके से निकाला जाए तो इसलिए उनको दिक्कतें आ रही है। किसी नदी में गिरी है तो वो हिस्सा काफी जो है कम है जहाँ पे बस गिरी हुई है और जो लोग गंभीर बताए जा रहे थे, डॉक्टर्स का क्या कहना है उनके मसले? अभी चूंकि उनके अभी जो 10 लोग गंभीर हैं उनकी भी तादाद कुछ बढ़ गई है, तकरीबन 12 बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका इलाज जारी है लेकिन उनकी हालत बेहतर नहीं है, इस तरह से जानकारी आ रही है। जी जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अंसारी थे हमारे संवाददाता, हमें जानकारी दे रहे थे। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि गोवा से मुंबई की ओर जा रही थी ये बस, महाकाली ट्रेवल्स की बस थी। रत्नागिरी के नजदीक ये हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा जिसमें अब तक 35 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि 10 गंभीर रूप से जख्मी। आपको बता दें कि बस के पिछले हिस्से में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, करीब 60 लोग बताए जा रहे हैं इस बस में जिन्हें